लास्ट क्लास में आप सीखे थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनिए, स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल थ्रू द कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। समझिएगा, मैंने वेक्टर ए और बी को एज्यूम किया है कि किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। तो इस केस में जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा बट उनका कॉमन पॉइंट ए बी के पास नहीं हो, है ना, या आर भी और ए भी और बी भी तीनों एक ही जगह से स्टार्ट हो, तो ये वाला डायगोनल नहीं। तो ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। मीन्स किसी तरह से अगर आप ये डायगोनल पता कर लेते हैं तो आप रिजल्टेंट वेक्टर निकाल पाएंगे। पहले की तरह आपको याद होगा कि वेक्टर में जो एरो होती है उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड और जो एंगल होगा किसी एक वेक्टर के साथ वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमें फाइंड करना है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं, अब आइए सीखते हैं कि कैसे हम ये रिजल्टेंट निकालें। इसकी डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को करते हैं। आपको पता है कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, एम आई क्लियर। अब मैं बी को शिफ्ट करके ए के हेड पे रख दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दिया, यानी कि ये भी जो साइड है वो क्या ही दिखाएगा, वेक्टर बी को प्रेजेंट करेगा, क्लियर। और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, नेमिंग कुछ कर दें इसको ओ और ए बी सी, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड दिस इज बी। जाहिर सी बात है अगर ओ बी को मैंने वेक्टर ए से प्रेजेंट किया हूं तो इसके पैरेलल वाला भी वही वाला वेक्टर होगा, आप ऐसे ही बना सकते हैं, इसके पैरेलल वो है। ठीक है, मैंने क्या किया, वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड लिया पैरेललोग्राम का, तो इस केस में जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ऐसा स्टेटमेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। ओके, अब ये मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं। ये ऐसे ड्राइव किया जाता है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ओबी के एक्सटेंडेड पार्ट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए से। ठीक है, अब आपको एंगल भी क्लियर हो गया होगा, ये दो पैरेलल साइड हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, यहां भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, चलिए हमें तो क्या ही निकालना है, ओ ए निकालना है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको कवर कर दूं, तो आपको लगेगा सर ऐसा ही तो आपने ट्रायंगल लॉ कराए थे। हाँ बिल्कुल, इसकी डेरिवेशन का जो पार्ट है वो इस कंस्ट्रक्शन के बाद बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा है, आप देख लो एक बार, आपको रिवाइज भी हो जाएगा। क्या करें सर, हमें तो वेक्टर आर चाहिए, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, क्या करें। आइए आते हैं ज्योमेट्री से, मैं इसे रफ कर देता हूं, इस स्पेस को मैं यूज करूंगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना इसे। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते हैं, और बिल्कुल तसल्ली से समझो, कुछ जल्दी नहीं है,
अब मैं बात कर लेता हूं फ्रॉम आर टी ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी। हाँ, हमें क्या निकालना है? हमारा एम है ओ ए निकालना, यानी वेक्टर आर निकालना। क्या करूं? मैं लिखूंगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। यही लिखूंगा? बिल्कुल लिखूंगा। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओ बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिखा हूं ओ डी, आपको ओ डी डायरेक्टली गिवन नहीं, आपको क्या पता है? सर मुझे ओ बी के बारे में पूछा जाए तो ये बता सकता हूं। क्या बताएंगे आप? मैं लिख देता हूं यहां ओ बी का मतलब है वेक्टर ए का मॉड, या सिंपली ए लिख सकते हैं। इन सेम वे बी ए बोलू या ओ सी बोलू, दोनों सेम है। तो बी ए का मीनिंग होगा वेक्टर बी का मॉड, या सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं ओडी कैसे निकालू? तो ओडी निकालने के लिए आपको ओबी तक तो पता है, अब बीडी निकाल लो। अब बीडी के लिए आपको इस ट्रायंगल से चलना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं कि ओए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी। ओडी को मैं दो पार्ट में लिखा हूं, ओबी प्लस में बीडी होल स्क्वायर प्लस में एडी होल स्क्वायर। क्लियर? देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, और आर फाइंड करने के लिए आप पहला स्टेप ये लिखेंगे। अब क्लू आपको मिलता जाएगा कि आप कैसे निकालें ओडी। सर ओडी हमें डायरेक्टली नहीं पता, बट ओ बी पता है। सर ओ बी वेक्टर ए है तो इसकी जो लेंथ होगी मैग्नीट्यूड का लाएगा। बट सर बी डी नहीं पता, ओ बी तो पता हो गया, बी डी नहीं पता। इस ट्रायंगल में आइए, आर टी ट्रायंगल फ्रॉम आर टी ट्रायंगल बी ए डी, क्या लिखूं? कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताइए इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए बी या बी ए, चलो बी ए ले लेता हूं। बी ए क्या ही है? बी, तो ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, बी कॉस थीटा, आप समझ रहे होंगे, इज इक्वल टू बी डी। एक चीज पता हो गया। अब इसी तरीका से मैं आपसे पूछता हूं फ्रॉम आर टी ट्रायंगल बी ए डी, इसी में साइन थीटा क्या मैं लिखूं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बी ए क्या ही है? बी है, मीन्स बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी। आपको ए डी भी पता हो गया, बी डी भी पता होगा, ओ बी ऑलरेडी आप जानते हैं, क्या करें? तो ये समझ आ गया ना, ये जो पार्ट हुआ दिस इज कॉल्ड बी साइन थीटा, और ये जो पार्ट हुआ वो क्या हुआ? बी कॉस थीटा। ये ध्यान रखेंगे। अब ओए क्या है, मैं यहां लिख देता हूं ओए के बारे में भी। ओए है वेक्टर आर का मॉड, या सिर्फ आर लिखें। आइए ओए यानी कि आर का स्क्वायर, ओ बी क्या लिखूं? देख के बताइए आप। सर ओ बी को आप सिर्फ ए लिख सकते हैं, ए
बी डी, बी डी क्या लिखो, बी कॉस थीटा, ठीक है ना, तो लिखो बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ए डी, सर ए डी है हमारा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ट्रायंगल ऑफ एक्रीडेशन जैसा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस यहां से भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टू ए बी कॉस थीटा। नेक्स्ट आर स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर यहां क्या हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। अब बोले तो फाइनली r हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए फाइनल रिजल्ट वैसा ही है, यही आपने ट्रायंगल ऑफ एक्रीडेशन में भी तो पढ़ा था, फाइनल रिजल्ट आपको पता हो गया कि क्या होगा। यहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, क्लियर है। तो ये तो आपको पैरेललोग्राम लॉ से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पता होगा। अब अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन की, क्या करें डायरेक्शन के लिए बताइए मुझे, इसको रफ कर दूं थोड़ा, इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पे और यहां लिख देता हूं फॉर डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन, ठीक है। क्या करें, फ्रॉम आर टी ट्रेंगल, चलिए इसी वाले से बात करता हूं, ओ ए डी क्या लिखूं, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन का मीनिंग है यहां पर कि आप एंगल बताइए किसी एक के साथ, यानी कि मैं ए के साथ बता देता हूं ये बनाए, और इसे हमने प्रीवियस वाले में क्या नाम दिया था, बीटा, यानी आपको इस बार बीटा चाहिए। तो क्या लिखूं, ओ ए डी ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल ओ ए डी टेन बीटा परपेंडिकुलर ए डी बेस ओ डी। ओपन कीजिए थोड़ा सा इसे, क्या लिखना पड़ेगा, BD को AD को मैं क्या लिखूं बताइए, AD को मैं लिखूंगा B साइन ऑफ थीटा, OD आपको याद होगा OB प्लस BD, तो OB को A प्लस में B cos थीटा, क्लियर है। ओडी को मैंने यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार, एडी अपॉन ओडी के जगह पे ओबी प्लस में बीडी, और नीचे मैंने उसको लिख दिया इस तरह से, तो आपको टेन बीटा मिल गया, वेयर बीटा इज द एंगल विद वेक्टर ए। मैं लिख देता हूं बीटा इज द एंगल विद ए, ए के साथ एंगल। तो इस तरह से आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिया, और आई होप इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन जैसा है, और ये सिंपल ज्योमेट्री है जिसे आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आप पूछोगे सर यहां मैंने नया क्या सीखा, तो आप नया ये सीखे
कि अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता तो आपको क्या करना पड़ता था, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके इस तरह से सेट करना होता था कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल आ जाए। अब आप एंगल अरेंज करके और फिर फाइंड कर देते रिजल्टेंट। इस केस में वैसा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, अभी तो आपने पढ़े कि अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड होगा तो इसका जो डायगोनल बनेगा वही रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके बीच से या जो भी हो एक डायगोनल बनाएंगे और जो डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। डेरिवेशन के लिए ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, बट क्वेश्चन के लिए ऐसा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायगोनल बनाएंगे और वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला अप्लाई कीजिए और डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्लियर। अब आइए मैं इस पे आपको क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप कॉपी में इसे नोट करना, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों में से कोई एक आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप इसे एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लो, और देखिए डेरिवेशन आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बढ़िया से आप पेपर में कर पाएंगे, तो ये तो आपको करना ही होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा फिर मुझसे पूछ लेना। चलिए मैं आपको इसके बेस एक दो क्वेश्चन आपको सिखाता हूं। देखिए एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड, मैंने इस तरह से दो वेक्टर लिए हैं, क्वेश्चन में है वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 4 है और बी का 2 है, तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों यहां से आउट गोइंग है, तो इस केस में जो एंगल फॉर्म होगा दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। ओके, आपको फाइंड करना है इसका रिजल्टेंट। अभी आपने सीखे ट्रायंगल वेक्टर एडिशन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो इसमें आपने क्या ही सीखा कि अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा थ्रू द कॉमन पॉइंट वो आपको रिजल्टेंट देगा। फिर आपके माइंड में आएगा सर इस क्वेश्चन में पैरेललोग्राम कहाँ है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर दो साइड आपको पता हो जाए तो आप पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेंगे, आप इस तरह से फॉर्म कर लीजिए, हो गया। अब इसका डायगोनल बना दो और डायगोनल यहीं से जाएगा, ये वाला डायगोनल लेंगे जहां से दोनों वेक्टर इनिशिएट हुआ है ना, डायगोनल वहीं से ड्रॉ करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको रिजल्टेंट देगा, तो ये रिजल्टेंट, ये जो लेंथ होगी मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी फोर डायरेक्शन इनकी बीटा। कैसे निकाले सर, तो देखो आपको ए पता हो गया कितना 4, बी भी कितना है 2, थीटा 60 डिग्री, आर के लिए फॉर्मूला क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। चलो फाइंडिंग कर लेते हैं क्या होगा, ए के जगह पे 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कॉस 60 कितना होता है हाफ का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व कर लो जो भी आएगा 16 4 8 कितना होगा 1216, ऐड कर लो 28 का स्क्वायर रूट, ठीक है। या तो लिख सकते हैं इसको 2 रूट
सेवन जो भी हो, ये हो गया आपको आर। चलिए आर आपने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं बीटा की, यानी डायरेक्शन की। क्या करें, डायरेक्शन के लिए भी फार्मूला अवेलेबल है आपके पास, हाँ या ना? है। कौन सा फार्मूला है? टेन बीटा क्या था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो ए है, ध्यान दीजिएगा, यहां से कंपेयर करो ना, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको ट्रीट करना है एज अ ए। तो यहां एंगल 4 यूनिट के साथ है, क्या लिखेंगे, 4 साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन ए, ए कितना है, सॉरी यहां 4 क्यों, बी ना, तो बी कितना है, बी है यहां पे 2 लिखना होगा प्लीज, 2 साइन 60 डिग्री अपॉन ए, ए कितना 4 प्लस में फिर बी कॉ, बी बी कितना है 2 और कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लो, 2 साइन 60 रूट 3 बाय 2, जो भी सॉल्व करके आएगा, ये तो मैथमेटिक्स है, 4 प्लस 2 इंटू कॉस 60 हाफ, तो ये तो नीचे 5 हो जाएगा, यानी कि रूट 3 अपॉन में 5, कुछ ऐसा ही होगा, कैंसिल हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन में 5, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा करेंगे तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू, मैं यहां लिख रहा हूं, कहां कर दू, यहां कर दू, बीटा टैन इनवर्स कर सकते हैं आप इसे, और फिर यही रह जाएगा रूट 3 बाय 5, इट इज योर आंसर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये देख लो फॉर्मूला था ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी कौन होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको ट्रीट करना है एज अ ए, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन 60 डिग्री, ए के जगह पे 4 और फिर बी के जगह पे 2 कॉस 60, फिर सॉल्व कर लेंगे, देख ले रहे हैं पे कुछ गलती तो नहीं है, 2 साइन 60 रूट 3 बाय 2 रूट 3 4 प्लस 2, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ क्लियर होगा। ट्रायंगल लॉ भी यहां यूज कर सकते थे, उसमें क्या करना होता, एक स्टेप बढ़ जाता कि पहले आप इसको शिफ्ट करो फिर एंगल अरेंज करो, यहां पर आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन समझ आ गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके वेक्टर की न्यूमेरिकल तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को माइंड में चल रहा होगा, सर ये सब ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या मतलब है, क्या इसका यूज होगा। तो आप अभी सब्र करो बच्चे, पहले एबीसीडी सीखते हैं फिर ही उसके बेस पे इतनी सारी चीजें आपने आज जान पाए हैं। तो इसी तरह से फिजिक्स में अभी सोचो कि एबीसीडी है, तो इसे आपको अच्छी तरीका से लर्न करना है, और ये आपको अच्छी तरीका से आएगा तब इसके बेस पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको और भी क्लियर होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बना रहा हूं, ठीक है, ओके।